रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसी चैप्टर में रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है स्पेरिकल लेंसेस की मदद से। किसकी मदद से? स्पेरिकल लेंसेस। अब देख बेटा, लेंस, लेंस वर्ड हम यूज करते हैं जब कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है। अब उसमें बहुत सारे प्रकार है वो बात अलग है, बहुत सारे टाइप है वो बात अलग है, क्योंकि लेंस अगर आप देखोगे तो नाम वाइज बहुत सारे, कॉनकेव, कॉनवेक्स, प्लैनो कॉनकेव, प्लैनो कॉनवेक्स, पॉजिटिव मिनिस्कस, निगेटिव मिनिस्कस एंड सो ऑन। तो ये सब जितने नाम अभी मैंने बताया आपको, ये सब लेंसेस के टाइप है। बाकी बच्चे चश्मा इस्तेमाल करते वो भी लेंस कहलाती है। हमारे पास माइक्रोस्कोप है, उसके ऊपर देखा आपने, ऊपर पे लगती है वो आईपीस, वो भी एक लेंस है। नीचे लगता है ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके नाम ही ऑब्जेक्टिव लेंस, वो भी एक लेंस है। ये लेंसेस होती क्या है? ये कुछ नहीं है, कांच का टुकड़ा है भाई, लेकिन एक स्पेसिफिक शेप के साथ, एक स्पेसिफिक शेप के साथ, कुछ स्पेसिफिक आकार के साथ, जिस कारण से उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे उसका फोकल लेंथ हो, उसका चाहे डायमीटर हो, सर्कुलर फॉर्म में देखते हैं ना हम लेंस को, इसलिए डायमीटर की बात कर रहा हूं। बाकी होने के लिए स्क्वायर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। होने के लिए ट्रायंगल भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आकार वाकार भाई, उसका जो है शेप वो तो हम अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं। इंसान ने बहुत तरक्की कर लिया, हम कुछ भी बना सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, तो लेंस होती क्या है? हम नॉर्मली समझे लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? यानी कि कांच, जैसे ग्लास, ग्लास, ग्लास को क्या बोला हमने? लेंस। अब हमें पढ़ना यह है हमारे सिलेबस में कि ये जो लेंसेस होती है, जो स्पेयर का कुछ हिस्सा कट करके बनाई जाती है, ठीक है, सुनना, स्पेयर का, स्पेयर समझते हो पहले तो बच्चा, एक बॉल जो होता है, बॉल पूरा गोल गोला, उसको स्पेयर बोलते हैं इंग्लिश में, बराबर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर पढ़ा होगा, 4π/3πr, क्या है, क्यूब, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, उसका ये क्या है, एरिया क्या है, 4πr², अरे स्पेयर की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले भूल गए क्या, 9th वाले, हाँ, हेमिस्फेयर भी आता है, और टोटल सरफेस निकल तो 3πr², मेरे को सब याद है, इस साल भी पढ़ना है मेंसुरेशन नाम के चैप्टर में, मैथमेटिक्स में, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आखिरी चैप्टर आता है ज्योमेट्री के पार्ट में। एनीवेज, लेट अस कम बैक टू वन टॉपिक, ओरिजिनल टॉपिक, स्पेयर। एक जो स्पेयर है, बॉल है, उसका अगर कुछ लिमिटेड हिस्सा अगर मैं कट कर लेता हूं तो जो शेप मेरे को नया मिलेगा वो स्पेरिकल लेंस कहलाती है। वो क्या कहलाती है? देखो, पूरे चैप्टर में हमें पढ़ाई स्पेरिकल लेंसेस की करनी है। इससे आगे जो भी पढ़ाई है, अभी तक तो हमने रिफ्रैक्शन समझ गए क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन की बात आपको क्लियर हो गई, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जाने वाले हैं ना चैप्टर में, वो होता है स्पेरिकल लेंसेस के लिए। एसएससी में इसका एक चैप्टर बन जाता है अलग। क्या नाम है चैप्टर का? लेंसेस। मैं ये दो चैप्टर कंबाइन तरीके से पढ़ाता हूँ, इसका कारण सुनना ध्यान से। बच्चा बोलेगा सर अचानक चैप्टर बदल दिया, अचानक नहीं बदलता कुछ, सुनो पढ़ाइए पूरी। रिफ्रैक्शन तो समझे ना, रिफ्रैक्शन तो समझे, रिफ्रैक्शन के साथ ही हम लेंसेस को पढ़ते हैं, और इसी के साथ हम ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड को भी पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना बात, लेंसेस चैप्टर जो एसएससी की किताबों में दिया गया है, उसी के आखिरी हिस्से में चैप्टर के आई के करेक्शन और आग के बारे में बताया गया है, जिसको एक अलग चैप्टर से पढ़ाया जा रहा है सीबीएसई में, नाम दिया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो मैं पूरा चैप्टर लगातार पढ़ाऊंगा, तो सीबीएसई के दो चैप्टर पढ़ा दूंगा एक साथ ही, मतलब अभी एक आज के लेक्चर में थोड़ी ना, तो समय है समय है, लेकिन जब मैं ये पढ़ाऊंगा पूरा ये चैप्टर, तो सीबीएसई के दो चैप्टर कवर होंगे। कौन से? एक तो लाइट और दूसरा ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। और एसएससी वाले के लिए, एसएससी वाले के लिए उनके भी दो चैप्टर, पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा, अब बचेगी बस एक बात, रिफ्लेक्शन। क्या बचेगा? जो सीबीएसई में, एसएससी में
वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जरूरी है। जैसे रिफ्रैक्शन है वैसे ही रिफ्लेक्शन, मतलब वैसे ही नहीं है, रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है, रिफ्लेक्शन ओपेक में होता है। लाइट जो है वापस अपने सेम मीडियम में चली जाती है, रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में जाती है आगे। ये कटकट बंद करेगा कोई, तो क्या क्या चैप्टर हम पढ़ने वाले, क्लियर है? अब शुरू कर देता हूं। लेंसेस, जो पूरी चैप्टर में बात करनी है हमें, वो करनी है स्पेरिकल लेंसेस की। किसकी? अब मैंने आपको अभी अभी बताया ताजा ताजा कि स्पेरिकल लेंसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लेंस हम निकालेंगे बनाएंगे, हमको जो लेंस मिलेगी ये कहां से मिलेगी? ये एक्सपेयर को कट करने से मिलेगी। एक्सपेयर को किसी एक पार्ट से मैं अगर कट कर लेता हूं, जो तुम्हें हिस्सा मिलेगा, जो लेंस मेरे को मिलेगी, जो कांच का टुकड़ा मिलेगा, वो कहलाएगा स्पेरिकल लेंस। क्या कहलाएगा? अब ऐसी स्पेरिकल लेंसेस अपने लैब में ऑलरेडी है क्लास के, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिखती है, कैसे फील होती है। लेंसेस है अपने पास, आई गेट इट, ओके, बाद में, पहले थ्योरेटिकली सब समझ लेते हैं। बढ़िया, अब सुनो, ये जो स्पेरिकल लेंसेस है, ये अलग अलग जगह से काटने से या दो स्पेयर्स को मिलाने से अलग अलग शेप की बनती है। वो अलग अलग शेप कौन से है और उनके क्या नाम है, पहले ये जान लेते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, yes. Yes. तो ये स्पेयर है, ये क्या है अपना? अब इस स्पेयर को मान ले मैंने काट लिया, खचाक, स्पेयर को काट लिया। अब काटने की वजह से ये जो हिस्सा मेरे को मिल रहा है, ध्यान से देखो, एक ऐसी लेंस मिलेगी मेरे को ये काटने से, मिलेगी ना, ये मैंने काट दिया खचाक। बाहर वो छोटी मोटी बात में डिस्टर्ब मत कर, बंद कर दे फैन, पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, कट कर दिया। अच्छा, कैंची से कट नहीं होती लेंस, कैंची का निशान बना है, एक कट कर दिया, ठीक है। अब कांच का जो छोटा टुकड़ा मिला मेरे को, इसको बोलेंगे लेंस, इसको बोलेंगे लेंस। अब सुन, अगर लेंस के एक साइड में प्लेन है और एक साइड में कर्व है, एक साइड में और एक साइड में ऐसे फूला हुआ, रोटी कैसे फूल जाती है? रोटी फूलती है ना, गरम रोटी फूली, हाँ, फिर अपने को मस्ती, अपन उंगली डाल के फोड़ते हैं उसको, हवा निकलती है, चटका लगता है, कभी भाप गरम स्टीम लेंस में आते हैं। ये जो फूला हुआ हिस्सा है, इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक साइड है प्लेन, एक साइड कैसी है, तो जो टाइप बना लेंस का, इसको बोलेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे इसको? अरे अरे, देखो ऐसी बनती है लेंसेस, क्या बन गई? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये पूरा क्या था? कांच का स्पेयर था, ठीक है, इसको हम ग्लास ग्लास स्पेयर, एंड्री समझ आ रही? ग्लास का स्पेयर है, कांच का गोला, उसको मैंने काट दिया, जो हिस्सा मिला मेरे को, वो मिला मेरे को, बोल क्या? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, इसके बाद ऐसा ही मैं इसको इस तरफ से भी देख सकता हूं, मतलब ऐसा भी एक हिस्सा हो सकता है, इसी को उल्टा कर लिया मैं, यहां से काट लू मान ले, ठीक है, दोनों कैसे भी देख सकते, इसी को पलटी कर लो, एक हिस्सा ऐसे भी देखने मिल सकता है, एक हिस्सा ऐसे भी, दोनों क्या कहलाएंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएंगे। अब सुन, ये मान ले ये स्पेयर में और एक स्पेयर ला के मैंने ऐसे घुसा दिया बीच में, ध्यान से देखना, सब दो स्पेयर घुस जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं, बनाते समय ही वैसे बनाना पड़ता है, तुम समझ रहे इस बात को? तो ये दो स्पेयर का अगर ये बीच में मिलने वाला हिस्सा मैं बाजू निकाल लू, तो मेरे को दोनों तरफ से फूला हुआ, दोनों तरफ से रोटी जैसा फूला हुआ एक शेप देखने मिलेगा। इमेजिन हो रहा है मैं जो दिखा रहा हूं, या जादू लग रहा है, क्या कर रहा है इंसान? तो जो हिस्सा मिलेगा वो हिस्सा कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, बस 3D में इमेजिन करो, ऐसा पूरा गोल भी रहेगा वो, है ना,
पूरा गोल और 3D में भी, ठीक है। तो जो देखने मिलेगा अपने को, दो ये स्पेयर है, सर्कल नहीं, स्पेयर है ना, हाँ सर्कल दिख रहा है लेकिन है क्या, स्पेयर है क्या, स्पेयर। तो जो हिस्सा देखने मिलेगा ये कहलाती है बाय कॉन्वेक्स, ये कहलाती है बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताओ, हमारे सिलेबस में हमें सबसे ज्यादा ये और इसकी एक सगी बहन है कॉनकेव, इन दोनों को ही पढ़ना है। ये प्लानो वैनो से हमको ज्यादा कोई लेना देना, हाँ मैंने आपको स्टडी के हिसाब से बताया कि स्फेरिकल लेंसेस कैसे बनती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि प्लानो कॉन्वेक्स कैसे बन रही है, प्लानो कॉन्केव भी बनती है, उसकी बात करेंगे आगे। तो हमको सबसे ज्यादा इन्हीं को लेकर के पढ़ना है, बाय कॉन्वेक्स को और बाय कॉन्केव को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सुनो, हम क्योंकि बस इन्हीं लेंसेज को अपने पढ़ाई में पढ़ते तो हम मोस्टली ये बाय वर्ड यूज करते ही नहीं है, हम सीधा सीधा तौर पर बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, आ रही है बात समझ। लेकिन इनका असल नाम क्या होना चाहिए और क्या होता है, बाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से फुला हुआ है, ये तो एक ही तरफ से था ना, एक तरफ तो प्लेन था तो उसको प्लेनो कॉन्वेक्स नाम दिया था, ये दोनों तरफ से फुला हुआ है तो इसको बाय कॉन्वेक्स नाम देते। ये अलग अलग शेप की आ सकती है, कुछ लेंस ऐसे बहुत फुगी हुई आ सकती है, कुछ लेंस ऐसे बहुत पतली आ सकती है, तो दैट डिपेंड्स कि मैं स्पेयर का डायमीटर क्या ले रहा हूं और मैं कितना उसको एक दूसरे के अंदर इमर्स कर रहा हूं, दैट डिपेंड्स ऑन दैट फैक्ट, दैट फैक्टर। बट मेरे को यह समझ आ गया कि ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, और हमारे स्टडी में हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। इज दैट क्लियर एस और नो, हम बोलेंगे इसको कॉन्वेक्स लेंस। ये भी क्या है और ये भी क्या है, हाँ कितनी फुली हुई है, ये चीज कुछ और है, वो हम बाद में समझेंगे, वो पावर ऑफ लेंस, इंडाइप्टर्स, इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ क्या होती है और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको जुड़ करके, वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब आज के लेक्चर में, थोड़ा बाद में। अभी लेंस के नाम जान लो, पहले तो लेंस के नाम जान लो, समझ गए अभी तक के। अब और तीसरा सुनो, अब सुनो जो हमें और पढ़ना है हमारे सिलेबस में, एक तो हमें ये पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है इसको हम देखेंगे, मैंने पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ने दो ही चीज़ें, एक कॉन्वेक्स लेंस दूसरा कॉनकेव लेंस, पढ़नी दो ही चीजें, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। उसमें से जो कॉन्वेक्स है वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनता है, दो स्फीयर को लेकर के जुड़ा दो, इमर्स कर दो, कॉनकेव कैसे बनेगा, ये स्फीयर और ये स्फीयर, इसके बीच में कुछ ग्लास मटेरियल है यहां पे, तो ये जो शेप आपको निकल के आ रहा है, ठीक है, ये जो बीच में हिस्सा देखने मिल रहा है ये कुछ इस तरीके से आएगा नजर, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एजेस पे बहुत थिक है और सेंटर में बहुत थिन है, और ये वाली सेंटर में बहुत थिक थी और एजेस पे बहुत थिन थी, उल्टा है ना इसका, तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं बेटा, हाँ असल नाम में बाय कॉनकेव बोलेंगे, लेकिन हम क्या यूज करेंगे खाली कॉनकेव लेंस, केव जैसे है ना, गुफा जैसा ऐसे दबा हुआ केव, तो समझने का थोड़ा, तो ये है कॉनकेव लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्योंकि आगे पूरा चैप्टर इसी के ऊपर हमें पढ़ना है, हर ये बात समझ। तो ऐसे ही लेंसेज के और भी टाइप्स होते हैं, मैं आपको अभी जल्दी जल्दी क्योंकि वो हमें पढ़ने नहीं है तो आप उसमें इंटरेस्ट मत रखो, मैं बस आपको जानकारी के तौर पे बताता हूँ, कुछ लेंसेस ऐसी होती है आपके चश्मे में यूज की जाती है, ये इसको मेनिस्कस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चल छोड़ो वो, इसका अपोजिट भी कुछ रहेगा, कुछ में प्लेन होता है कुछ में, और तो ऐसी बहुत सारी लेंसेज हम आकार अलग अलग शेप तरीके के बना सकते हैं, होती है दुनिया में, एग्जिस्ट करती है, सबके अपने अपने यूज है, अपने अपने कुछ काम है, हमें पढ़नी है कौन सी दो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। लेंसेज का इंट्रोडक्शन मिल गया, लेंसेज कैसे बनती है, कहाँ से आती है, दो स्पेयर से ये मिल करके कैसे निकलती है और क्यों इनको स्पेरिकल लेंसेज बोला जा रहा है, ये बात आई होप आपको समझ आ गई, अगर आई है तो बोलो यस और नो। अब हम पढ़ेंगे कि ये लेंसेस को लेकर के कुछ, अच्छा नोट करना है पक्का, चले आगे सीधा, वैसे खास नहीं है कुछ नोट करने लायक, बस डायग्राम है, बस भूलो नहीं, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं भूलो नहीं,
ये जरूरी है। अब ये लेंसेस को ना दो तरह से हम लोग बांट दिए। हमने बोला एक लेंस होती है कन्वर्जिंग लेंस और एक लेंस होती है डाइवर्जिंग लेंस। सर क्या होता है ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, पढ़ते हैं। कौन सी लेंस? कौन सी लेंस? जादव लेंस बग। अब ये लेंस कहलाती है, पता है क्या किसी को, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? है पता तो बोलो, कौन सी? सबके सब बर्बाद है। वही समझा रहा हूं ना बेटा, वही समझा रहा हूं, ठीक है, वही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, बता के छोड़ नहीं दूंगा, कन्वर्जिंग है, प्रूफ करूंगा। सुनो क्या बोलते हैं इसको, सर इसका मतलब क्या है? दो है, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। समझो कन्वर्जिंग क्या है, जब भी लाइट इस लेंस के ऊपर गिरेगी, लेंस यानी कि कांच, एक तरफ से लाइट डालो दूसरी तरफ से निकलनी फिक्स है या ऐसे अड़ जाएगी आगे जाएगी? नहीं, कांच है ना भैयो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है ना, और ट्रांसपेरेंट है तो लाइट तो आगे जानी है, पक्की बात है। देखो ये कांच है, अब आगे का दिखता है ना उस तरफ का, ये कांच इसके आगे का दिखता है ना, लाइट जाती है ना इसके आर पर तभी दिखता है। तो जब भी लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे आती है तो ये कॉन्वेक्स लेंस उस लाइट को कुछ इस तरीके से मोड़ देती है। लाइट को इस तरीके से मोड़ देती है। तो यहां पे क्या हुआ, लाइट की जितनी भी रेज आई उन सबको उसने एक पॉइंट में ला के रख दिया। हाँ पॉइंट के आगे फैलती भी जाएगी वो बात और है, लेकिन वो सब रेज को क्या कर रही है, एक तरफ डेविएट कर रही है, एक पॉइंट की तरफ डेविएट कर रही है, एक पॉइंट की तरफ डेविएट कर रही है। सब रेज सीधे आए पैरेलल, लेकिन झुक गए एक पॉइंट की तरफ, आए लेंस को टकरे, खचाक, सब रेस क्या हो गए, झुक गए। प्रूफ करूंगा, लगा के एक्सपेरिमेंट, टेंशन ले लेने का, सब दिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर भी रियल में भी। लाइट सीधी आई खचाक, तो क्योंकि ये रेस को एक जगह पे लाके मिलाता है तो इसको बोलते कन्वर्ज करना। क्या बोलेंगे? तो रेस को ये कन्वर्ज करता है, इसलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। कैसी लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। सर क्या बोले, कॉन्वेक्स बोले या कन्वर्जिंग? है तो कॉन्वेक्स लेंस ही, लेकिन वो कौन से टाइप की है, कन्वर्जिंग टाइप की है, यानी कि रेस को वो कन्वर्ज कर देती है। इसी के साथ दूसरी तरफ मेरे पास कौन सी लेंस है बताओ? कॉनकेव लेने, रादर बाय कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव है, ये बाय कॉन्वेक्स। हम नॉर्मल तरीके से, हमारे सिलेबस थोड़ा सा छोटा है ना, बच्चा है अभी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, सीधा बाय वर्ड को इस्तेमाल करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, आगे करने पड़ेगा, अभी फिलहाल नहीं है। तो ये है कॉनकेव लेंस। अब ऐसा ही सिनारियो में इसके साथ करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्वेक्स वाले ने क्या कर लिया, जब मैंने लाइट पास की तो उसने सारे रेस को एक तरफ मोड़ लिया, तो ऐसे ऐसे लेंस को मैंने कन्वर्जिंग लेंस बोला। जबकि दूसरी तरफ ऐसा ही अगर मैं इस कॉनकेव लेंस के साथ करूं, मैंने यहां पे रे डाल दिया इस लेंस के ऊपर, और जब मैंने देखा दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ से रे ऐसे फैल गए, रेस क्या हो गए, फैल गए। इसके अंदर रे डालो, जैसे लेंस में जाएगा खचाक फैल जाएगा। तो ये रेस को नजदीक नहीं ला रहा है, दूर कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको डाइवर्जिंग बोलते। इसको क्या बोलते? डाइवर्जिंग। ये हुई डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। ये तुम्हारी है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। आपकी किताबों में इसकी डायग्राम वैसे दे रखी, बाद में आप दे सकते हो। और एक चीज सुनना लेकिन ध्यान से, जैसे यहां वाली केस में, कॉन्वेक्स की केस में जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, तो
तो सभी रेस जो है वो आगे निकल करके एक पॉइंट में आ गए जिस पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट के नाम से जानते हैं, एफ। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? आपका मोबाइल का कैमरा जब आप टच करते हो किसी ऑब्जेक्ट को फ्रेम में लेता है तो उसके ऊपर फोकस बनाता है। अगर पोर्ट्रेट लेंस है, आपको अगर थोड़ी बहुत समझ हो तो देखना पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर दिखता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके बराबर उस ऑब्जेक्ट तक की दूरी तक वो अपना फोकस बना लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट फोकस में रहता है। यही मैं किसी पीछे की तरफ देखूं तो वो ऑब्जेक्ट फोकस में रहेगा, बाकी ब्लर हो जाएगा। इसको ज़्यादा कुछ नहीं, मोबाइल का कैमरा में छोड़ो सब, ठीक है, बहुत महंगा। अपने खुद के अंदर ये मैकेनिज्म है, अपने खुद के अंदर ये मैकेनिज्म है, अपने आँखों के पास ये मैकेनिज्म है, उसी को देख के इन्होंने कैमरा बनाया। सुनो ध्यान से, कैसे प्रूफ करता हूँ आपको। सबके पास हाँ सबके पास हाथ है, मैं जानता हूँ हाथ सबके पास, हाँ उंगली भी सबके पास, लेकिन करने की नहीं। एग्जैक्टली अब क्या करना है आपको? अपना हाथ लेना है आगे। अब बेटा हाथ ले आगे, हाँ मैंने वोट किया है, मैं दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक करीब करीब 30-35 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको पकड़ो, एवरेज कुछ भी पकड़ लो, ऐसे चलता है वैसे तो पकड़ा। अब हर बच्चा मेरी तरफ नहीं देखेगा, बस मेरी बात कान खोल के सुननी है, सुनते रहो और जो मैं बोलूंगा वैसा करते रहो। मेरी बात सुनी, मेरी तरफ देखना, चीटिंग नहीं करेगा कोई। अपने हाथ के इस उंगली की तरफ ध्यान से देखना, ठीक है, दोनों आंखों से ध्यान से उंगली की तरफ देखना, कहीं और देखने की जरूरत, देखेगा तो मारूंगा भाई, कहीं और देखने का नहीं, बस उंगली को देखने का। देख रहा है हर बच्चा? अब थोड़ा सा मन में देखो और सोचो कि आपकी ये उंगली तो क्लियर आपको नजर आ रही है लेकिन पीछे का ध्यान से उंगली को ही देखते रहो, अभी किसी और तरफ देखना नहीं है, देखते रहो, मजा आएगा आगे सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देख रहे हो अभी भी? कोई चीटिंग नहीं ना कर रहा? आप उंगली को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, पीछे का ब्लर है आपको दिख रहा है सब कुछ, पीछे ब्लर है कुछ, पीछे का क्लियर, कोई किसी का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा लेकिन आपकी उंगली क्लियर नजर आ रही। अब तुरंत उंगली को हटा दो। वो तेरी आंखें तू ज्यादा एक तरफ लाने की कोशिश कर रही थी, वैसा नहीं लाने का, खाली देखते रहने का नॉर्मली, उंगली को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहते उंगली को हटा दो, तुरंत पीछे का क्लियर हो जाएगा जो ब्लर दिख रहा था। आप सब लोग ना उंगली ऐसे मेरी तरफ टारगेट करके पकड़ो, उंगली को देखो और उंगली हटा के मेरे को देखो, उंगली को देखो, फोकस करो उंगली के ऊपर, उंगली हटाओ, फोकस मेरे पास आ जाएगा तुरंत, देखो। अरे क्या मत ताली मत जाओ, अरे क्या, तो उंगली को देखो तो उंगली दिखती है, मैं ब्लर दिखता हूँ, उंगली को हटा दो मैं क्लियर हो जाता हूँ। कैसे हो रहा है ये? हमारे आँखों में सिलियरी मसल्स नाम की मसल्स होती है, वो मसल्स जो है हमारे इस लेंस के फोकस पॉइंट को एडजस्ट कर सकती है बाय चेंजिंग इट्स पावर, और इसी को CBSE में और हमारे टॉपिक में पावर ऑफ अकोमोडेशन नाम से जाना जाता है। किससे? पावर ऑफ अकोमोडेशन। बोर्ड में पिछले साल सवाल आया है इसलिए ये टॉपिक ध्यान से नोट करना, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो पिछले साल का, समझ आ जाएगा। एनीवेज अभी हम बात करते टॉपिक में, देखो यहाँ पे बेटा हमने सोचा और समझा देखा कि फोकस क्या होता है। फोकस का पॉइंट वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन लेंस का शेप। लेंस ऐसे बहुत फूली हुई है तो फोकस दूर होगा, थोड़ी है तो फिर नजदीक, तो फोकस पॉइंट कम ज्यादा कर जा सकता है। यानी कि हो क्या रहा है ना, ये लाइट को कितने दूर ले जाके एक पॉइंट में मिलाएगा या लाइट को कितने नजदीक एक पॉइंट में मिलाएगा, ये चेंज किया जा सकता है लेंस की शेप से। तब तो ये फोकल लेंथ एडजस्ट हुई, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो और यहाँ तक का देखो, दोनों अलग है ना, तो अपन फोकल लेंथ को एडजस्ट करते बाय चेंजिंग लेंस का शेप। हमारी आंखों की लेंस फ्लेक्सिबल होती है, मस्कुलर होती है, उसको सिलेरी मसल्स की मदद से एडजस्ट किया जाता है उसकी पावर को, बाय विच वी चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आर लेंस। हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस लगी हुई है, बोलो कौन सी? कॉन्वेक्स लेंस लगी हुई है बेटा। अच्छा आंखों की पढ़ाई हम करेंगे आगे ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में, टॉपिक निकला तो बता दिया, अभी बात करते वापस एक बार किसकी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की। तो हम समझे कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसी लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि सभी रेस उसके अगर अंदर लाइट डालते हैं तो क्या कर देती है, एक पॉइंट में मोड़ देती है, एक पॉइंट में ले जाके ऐसे सबको कलेक्ट कर लेती है, तो उसको हमने बोला कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज करना। और ये जो है नालायक कॉनकेव लेंस, ये क्या करती है रेस को दूर लेके जाती है, इसको बोलते हैं
डाइवर्जिंग लेंस, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। टॉर्च देखिए, टॉर्च, टॉर्च देखिए, टॉर्च के आगे कांच लगती है क्या, ट्रांसपेरेंट, उसको ऐसे लगाते हैं जानबूझ के, क्यों? रोशनी फैलनी चाहिए, रोशनी फैलनी चाहिए ना दूर, क्या नज़दीक आनी चाहिए? अरे बात सर, सबका काम है अपना अपना भाई। अच्छा सुनते हैं, चलो ये क्लियर। सर इसके अंदर तो फोकस क्रिएट हुआ, ये कभी फोकस क्रिएट करेगा ही नहीं क्या? ये कभी फोकस क्रिएट करेगा क्या? अरे ये तो दूर जा रहा है, कैसे एक अंदर मिलेगा? फोकस तो तभी क्रिएट होगा जब रेज आकर के एक पॉइंट में मिलेगी, तो ये कभी फोकस क्रिएट करेगा क्या? तो रियल तौर पे तो नहीं करेगा, लेकिन इमेजिनरी तौर पे हम क्या करेंगे, हम चालू इंसान छाने, हम इसको पीछे की तरफ ट्रेस कर देंगे ऐसे। तो साइंटिस्ट ने कहा जब इसको पीछे की तरफ भी ट्रेस किया तो बराबर एक पॉइंट में आकर के ये उसका रिवर्स पाथ हमने ड्रॉ कर लिया, इसका रिवर्स पाथ। रिवर्स पाथ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता, ये रेज रियल लाइफ में तो फैलते ही जाएंगे, लेकिन हमने उल्टे पाथ पे ला करके देखा तो इसका यहाँ पे पीछे फोकस क्रिएट होता है। आगे चल करके मैं साइन कन्वेंशन पढ़ूंगा और आपको तब ये चीज समझ आएगी कि इसका फोकस जो है लेफ्ट साइड में आता है, तो इस फोकस को हमेशा हम निगेटिव में लेते हैं और इस फोकस को हमेशा हम पॉजिटिव में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या कन्वेंशन है, सब एक अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर रे डायग्राम, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी जितनी चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ लाइट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, सब आपको दिमाग में अच्छे से आ रही है? अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की मैंने बताई उसमें आपका कोई भी सवाल, डाउट? अरे यस और नो? है क्या सवाल? अच्छा ठीक है। अब आपको ये दो लेंस ये ड्रॉ करना जरूरी है, ये नोट कर लो आप। ये क्या करोगे आप, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ये दो ड्रॉ कर लो बस खाली, ठीक है? ये कौन सी है, कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव। इतना ड्रॉ कर लो फिर आगे का पढ़ाता हूँ। हाँ जी बोलो। ये मिरर है बेटा, मैं लेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तुम क्या ओपन करके बैठी हो, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? और ये चीज़ मैंने पहले बोली भी कि अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, लेंस, बाद में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, जिसमें मैं क्या पढ़ूंगा, मिरर, ठीक? सर गलत तो नहीं पढ़ाने लग गए, किताब में कुछ और दिया है? हाँ फोकस कॉनकेव में क्या होता है, फैल जाता है, फोकस उल्टी तरफ बनता है, उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। क्लियर है? चलो आज के लेक्चर में इतना ही, दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।